हेलो एवरीवन, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पावर के और आरएमएस वैल्यू से रिलेटेड फॉर्मूले बताए थे। आई होप आपने ये पढ़ लिए होंगे। ठीक है, मैं आज इन्हीं तीनों फॉर्मूलों का यूज़ करूँगा एवरेज पावर निकालने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको देखो तीन मेथड से मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे करंट की वैल्यू दे रखी है हमें 2 + 10 cos t +10 डिग्री +6 cos 3t +35 डिग्री। तो हमें करंट वो निकालनी है, एवरेज पावर कितनी सप्लाइड कर रहा होगा ये सोर्स। ठीक है, तो ये सप्लाइड कर रहा होगा, इसके एक्रॉस कितनी एवरेज पावर होगी। मैंने वीडियो बनाई हुई है एवरेज पावर पे, आप प्लेलिस्ट में जाके आप वो वाला सेक्शन ढूंढ लें जिसमें एवरेज पावर और मैक्सिमम पावर करके टॉपिक है। ठीक है, तो एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर और कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, कितने भी लगे हों, जितने भी लगे होंगे, सारे के सारे जीरो एवरेज पावर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो सारी के सारी एवरेज पावर कौन लेता है, फिर रजिस्टर। ठीक है, तो इसका मतलब सारी की सारी एवरेज पावर किसके अक्रॉस आएगी, 10 ओम के। अब देखो मैं इसको तीन तरीके से करने वाला हूँ। कैसे, अगर जितनी ये पावर सप्लाई कर रहा है वो इक्वल होगी पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट। ठीक है, जितनी ये सोर्स सप्लाई करेगा इतनी वो डिसिपेट होगी। मुझे पता है इसके अक्रॉस जीरो, तो सारी की सारी किसके अक्रॉस डिसिपेट होगी, 10 ओम के। ठीक है, तो पहले मैं इस पावर जितनी सप्लाइड हो रही है उस हिसाब से देखते हैं, देन फिर देखेंगे जो डिसिपेट हो रही है 10 ओम रजिस्टर में उसे कैसे कैलकुलेट करना है। पहला मेथड वन देखो, ये वी ऑफ टी मैंने मान लिया वोल्टेज कहाँ पर है, इसके एक्रॉस है। ठीक है, इसको इधर मान लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे कहीं पे पैरेलल में ही है तो सारा इक्वल ही होगा, तीनों के एक्रॉस, इसके एक्रॉस ही, इसके भी, इसके भी। ठीक है, तो अच्छा दिखने के लिए मैंने ऐसा ना लिया। अगर मुझे वी टी पता चल जाए, आई टी पता चल जाए, तो मैं अपना जो वो फॉर्मूला होता था वी टी आई टी कोस वाला, वो वाला फॉर्मूले से जो पहला फॉर्मूला लिखाया था मैंने, तो उससे मैं पावर निकाल लूँगा। ठीक है, तो मेरा काम मकसद क्या, सबसे पहले वी टी निकालना। तो मैंने मान लिया यहाँ से जो इम्पिडेंस देख रहा हूँ मैं जेड है। ठीक है, पहले इस जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो इसका इम्पिडेंस कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 1/j ω2। ठीक है, 1/2j ω। तो यहाँ से जो जेड मुझे दिखेगा वो कितना होगा मेथड वन में, ये दोनों पैरेलल में, तो कैसे निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का समीशन कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 + 2j ω। एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 + j 20 ω / 2j ω। ये कैंसिल हो गए नीचे ये वाले, बचा क्या 10/1 + j 20 ω। ठीक है, ये था अभी तक बेसिक था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक पूरा कितना जेड है, तो वी की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाना चाहूँ, ये हमारा आई है, ये आया जेड, मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू, वी की। तो वी कस टू कितना होगा, आई इंटू जेड। तो अगर मैं यहाँ पे वी आई टी कहूँ तो क्या होगा, मेरा आई टी मल्टीप्लाई बाय जेड ये होगा। ठीक है, तो अगर मैं अब देखो कैसे करना कैसे आगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक बार में लेते चले आएंगे हर एक सोर्स को। ये डीसी करंट है। ठीक है, ये ओमेगा कस टू 1 वाली है, ये ओमेगा कस टू 3 वाली है, एक एक करके निकालते आएंगे, बाकी लास्ट में सबको ऐड करके लिख देंगे। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू लगाओ, यहाँ पे वी ऑफ टी कितना आ गया, आई की वैल्यू अभी लगाएंगे हम, जेड की वैल्यू पता आ चुकी है हमें, 10 + 1 + j 20 ω। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 10/ कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 1 + 400 का स्क्वायर, 10 inverse 20 ω। ठीक है, ये आएगा मल्टीप्लाई बाय करंट। अब देखो पहले पहले डीसी वोल्ट ऐसे ही, पहले किससे स्टार्ट करेंगे, डीसी से। तो आई की वैल्यू जब डीसी है, ठीक है, तो वहां पे ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 0, यानी डीसी वैल्यू। तो वहां पे करंट की जो वैल्यू है कितनी है, 2 एम्पियर है, इसमें लगाओ कितनी आएगी, यहाँ से इसकी डीसी वैल्यू निकालो, वी डी सी 10/ ओमेगा इक्वल टू 0 लगाया, तो यहाँ पे रूट में 1 बचा, यहाँ 10 इनवर्स 0 0 ही हो गया। ठीक है,
यहाँ तो यहाँ बचा कितना 1, यहाँ पर आ गया एंगल 0 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ गया 20 वोल्ट। नेक्स्ट देखो, जब ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, यहाँ पर आओ, ओमेगा की वैल्यू जब 1 है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना 10 एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री, ऐसे लिख लूंगा मैं इसको, ठीक है, करंट की जगह क्या लिखूंगा 10 एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 1 लगाओ, यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट हार्मोनिक है, ठीक है, मैं इसको V1 लिख दे रहा हूँ इसका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वो 10 अपॉन अंडर द रूट, यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 1 लगा रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 1+400, और ये कितना हो जाएगा एंगल 10 इनवर्स 20 मल्टीप्लाई बाद कितना 10 एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री, 10 एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ 5 एट एन एंगल ऑफ -77.14 डिग्री। ऐसे ही नेक्स्ट क्या ओमेगा इक्वल्स टू 3 वाला, यहाँ पर 6 एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, तो ओमेगा वैन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 3 है, तो मैं इसको कह दे रहा हूँ V3, तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन अंडर द रूट 1+ कितना आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर यानी 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एन एंगल 10 इनवर्स 20 है, 20 ओमेगा, तो 3 से कहा तो 60 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है 6 एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। इसको सब सोल्व करेंगे तो मैं वो फाइनल लिख दे रहा हूँ, वो आएगा 1 एट एन एंगल ऑफ ओ -54.04 डिग्री। बस इतने ही था, आगे तो कुछ है नहीं, इसको क्या कर दो लिख दो बस इसके टर्म में, हमारे यहाँ पे सब कोस कोस है, तो कोस ही आएगा हमारे जो एसी में आएगा, तो यहाँ पर वी ऑफ टी कितना आ गया, और डीसी जो वैल्यू आई है वो आई है 20 प्लस फर्स्ट हार्मोनिक, या 5 कोस टी -77.14 डिग्री। नेक्स्ट आया मेरा 1 कोस 3t -54.04 डिग्री, ठीक है, वी टी निकाल लिया, आई टी हमारे पास पहले से ही है, आई टी जो है वो कितना है, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ 2 + 10 cos t + 10 degree + 6 cos 3t + 35 degree, ठीक है, ये सब दे रखा। अब निकाल, देखो मैंने कैसे बताया था एवरेज पावर, जब वोल्टेज और करंट पता हो मुझे कैसे निकालते हैं, वी डी सी आई डी सी प्लस यहाँ पे क्या लिखते हैं बार हाफ एन इक्वल्स टू 1 to infinity, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे आता है क्या वी एन आई एन कोस, यहाँ पे थीटा वोल्टेज किसका, वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल, ठीक है, वहाँ पे मैंने थीटा फाई लिखा था, मैं यहाँ अच्छा दिखने के लिए वोल्टेज माइनस करंट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो पी एवरेज कितना आ गया 20 × 2, ठीक है, डीसी वैल्यू की मल्टीप्लाई की 1/2 बाहर है हमारे पास। अब देखो सेम हार्मोनिक वालों की जिन जिन की फ्रीक्वेंसी सेम होगी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इन दोनों की सेम है तो इनकी मल्टीप्लाई करो, तो 5 × 10 और यहाँ पे कोस इसका वो एंगल कितना 77 जो माइनस करके लिखा गया उसको प्लस में लेते हैं, मैंने बताया था पिछली बार, ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्लस करके लिखा गया तो माइनस में कितना होगा -10 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे -10 करेंगे इस टाइप से लिखा गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 × 6 cos इसका एंगल माइनस में है तो वो प्लस करके लिखेंगे तो 54.04, इसका प्लस में अगेन माइनस हो जाएगा कितना -35, ठीक है, इतना आ गया। इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, इसको सोल्व कर लेना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो जो वैल्यू आएंगी एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया 40 + 1/2, ये आएगा 2.49 और ये आएगा आ गया 0.1, इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा मेरा कितना 41.3 वॉट, ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। अगला मेथड क्या होगा, मैं इस रजिस्टर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज पता हो या करंट पता हो, फिलहाल तो मुझे वोल्टेज पता है VT, तो VT की वैल्यू मैं निकाल भी चुका हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखो मैं मेथड नंबर 2 से करता हूँ,
मेथड नंबर टू कोई ऐसे भी सोच सकता है, ठीक है, कि मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज पता और रजिस्टर की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। अगर ऐसा होता तो पहले मैं VT की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, कितनी है अभी जो हमने निकाली है, 20 प्लस 5 कोस टी माइनस 77.14 डिग्री और 1 कोस 3T माइनस 54.04 डिग्री, ठीक है। अब मैंने बताया क्या, इसके एक्रॉस तो जीरो पावर है तो ये सारी की सारी यही खा रहा होगा, ठीक है। तो जितनी सप्लाइड होती है इतनी डिसिपेट भी होती है, तो सारी डिसिपेट 10 ओम के एक्रॉस हो रही होगी। तो 10 ओम के एक्रॉस मुझे वोल्टेज पता ऑलरेडी, तो मैंने फॉर्मूला बताया था कैसे निकाल सकते हैं। अगर वोल्टेज पता हो तो क्या होता है, 1/R आता है नीचे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं VDC का स्क्वायर प्लस हाफ, यहाँ पे क्या लिखते हैं, AN का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर, ये लिखते हैं, ठीक है। AN और BN क्या बता रहे हैं, AN बता रहा है जो उसमें कोस्टर में उनका कोफिशियंट, और BN क्या बता रहा है जो उसमें साइन टर्म प्रेजेंट है वोल्टेज में उसका कोफिशियंट। साइन तो हमारे में है नहीं तो BN तो जीरो रहने वाला है। R की वैल्यू कितनी है, 10 ओम यहाँ पे, ठीक है, लगाओ यहाँ पे सीधा 1/10। इसमें देखो सबसे बढ़िया बात ये, हमें एंगल की फिक्र करने की जरूरत नहीं, केवल हमें क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए। तो DC का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, ए आप देखो जो जो दे रखे हैं बस इनके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते चले जाओ, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, एंगल की इसमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है, एंगल की कोई चिंता नहीं। ये आ गया 400, ये हो गया 25 और एक 26, 26 का आधा 13, ये आ गया कितना, 413/10 यानी 41.3 वोल्ट सेम आया, ठीक है। नेक्स्ट मेथड नंबर थ्री, अगर मुझे उसके अक्रॉस करंट पता हो, मेथड थ्री में क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे इसके अक्रॉस करंट पता हो। मैंने कह दी इसमें जो करंट आ रही है भाई साहब वो IR है, ठीक है, करंट डिवीजन रूल लगा दो। करंट डिवीजन रूल से टोटल करंट, आने वाली करंट मल्टीप्लाई बाय पड़ोस वाला रेजिस्टेंस कितना है, 1/J2ω, ठीक है, 2J ओमेगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 10 + 1 + J2ω। इसका जब मैं सोल्व करूंगा तो एलसीएम लूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 + J20ω, ठीक है, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे जैसे पहले हो गए थे। इसको निकाल लो फिर से ऐसे ही, इसको थोड़ा पहले नीचे वाले को एम्पलीट्यूड में चेंज कर लो, 1 + 400ω² और 10 इनवर्स कितना, 20ω, ठीक है। करंट की वैल्यू मुझे पता है, देखो मैं अलग अलग वैल्यू पे निकालता हूँ, देखो यहाँ पे जब डीसी वैल्यू, जब ओमेगा का इस टू जीरो है तब कितनी आएगी, आई इसकी मैं इसको आई नोट बोल देता हूँ, ठीक है, तो कितनी आएगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू दे रखी है 2, यहाँ पे जीरो लगाया तो ये आ गया √1 यानी 1, और यहाँ पे कितना आ गया 10 इनवर्स 0 0 आ गया यानी 2 एम्पियर, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू 1 पे देखो कितनी है, 10, इसका एम्पलीट्यूड 10 है और एंगल 10 डिग्री है, ओमेगा इक्वल्स टू 1 पे कितना है इसका, निकालो यहाँ पे I1 कह देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, करंट की जगह 10 एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री, यहाँ पे लगाओ इसको कितना आ जाएगा, ये 1 + 400, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 10 इनवर्स कितना, 10 से मल्टीप्लाई करने पे, सॉरी ओमेगा कस टू 1 लगाना है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 20, ठीक है। तो ये 400 का 400 एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसको 400 लिख लूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 10y ये कितना आ जाएगा 400 का, इतना आ जाएगा मुझे एंगल, मैंने बताया एंगल की जरूरत नहीं पड़ती है जब रेजिस्टेंस पता है मुझे, ठीक है, एंगल में देख ही नहीं रहा। तो यहाँ से कितना आ गया इस I1 की वैल्यू 1/2, एंगल पर निकाल कर टाइम वेस्ट न करें जब रेजिस्टेंस पता हो, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू 3 लगाओ, I3 मैं बोल देता हूँ इसको, कितना है वो 6 एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, नीचे सेम कर दो, ओमेगा इक्वल्स टू 3 यानी 1 + 400, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3 लगाया इसकी जगह 60 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको सोल्व करो, ये 3600 हो जाएगा, 3600 में एक जोड़ू कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा भाई साहब, 3600 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और एंगल ऊपर जाके
टेन इनवर्स 60 हो जाएगा एंगल। तो ये आई थ्री कितना आ गया, 1/10 35 माइनस, मैंने कहा बस मुझे किससे मतलब है, एम्पलीट्यूड से। तो मुझे अगर मैं इसकी आई आर को करंट की इसमें फॉर्म में लिखता हूँ, मेरा कितना आया 2 प्लस ये आया कितना 1/2, इसका एम्पलीट्यूड है कोस कोस टी, ये वाला एंगल को मैं माइनस जब सॉरी ऐड करके लिखूँगा, कितना आया 10 डिग्री माइनस 10 इनवर्स 20, और ये कितना आया 1/10 कोस 3t प्लस 35 माइनस 10 इनवर्स 60। एंगल निकालने की जरूरत नहीं है ये कैलकुलेट। अब देखो मैंने फिर बताया था एक और फॉर्मूला करंट की फॉर्म में, तो कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है आर का मल्टीप्लाई हो जाता है सीधा बाकी का, यहाँ पे वही क्या आई डी सी का स्क्वायर 1/2 ए एन का स्क्वायर और बी एन का स्क्वायर। ए एन बी एन मैं बता ही चुका हूँ क्या, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कोस कोस ही है, बी एन तो 0 होने वाला है, आर की वैल्यू हमें 10 पता है, आई डी सी यानी 2 का स्क्वायर 1/2, ए एन का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/10 का स्क्वायर, देखो बराबर ही आएगा बिल्कुल 10, ये हो गया कितना 4, ये आ गया 1/2, 1/4 प्लस 1/100, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लो 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/8, 1/200, ठीक है। इतना आएगा 10 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 40, 10/8 और ये हो जाएगा 1/20, इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना हो गया, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, अब कितना आना चाहिए मेरा, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़े मिस्टेक हो गई, इसको चेक कर लेना, ये 36 ये आएगा यहाँ पे 120 आएगा, ठीक है, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे। कितना आएगा ये 120, कैसा आएगा एक सेकेंड मैं यहाँ पे देखता हूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक तो आ रहा है, ठीक है, 1/10 इतना ही आएगा, एक सेकेंड मैं देखता हूँ कोई मिस्टेक है तो। ठीक है ठीक है, तो पी एवरेज कितना आ गया मेरा, ये 40, ये आ गया 1.25 और ये आ गया 0.05, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आया 41.3 वोल्ट। देखो तीनों मेथड से सेम आया, इसलिए मैं कहता था देखो कि अगर या तो पावर डिलीवर्ड या पावर सप्लाइड, कुछ भी निकाल लो जो आसान लग रहा हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, एक बार देख लो कोई स्टेप छूट गया हो तो, ठीक है, मैंने बता दिया इसी से रिलेटेड हम आगे, मैंने इसलिए तीन मेथड से करा दिया क्योंकि आगे मैं किसी एक मेथड से करा दे करूँगा, ठीक है, लेकिन मैं बता दे करूँगा कि इसमें ये मेथड भी लग सकता था, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न ना रहे, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही मेथड से बना के निकल जाता जो मुझे बेस्ट लगता है या जो आसान पड़ रहा था, फिर आपको आपको मतलब आता हो दूसरा वाला मेथड लेकिन आप कंफ्यूज हो कि ये ठीक कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, मैं इसलिए तीनों मेथड बता दिए, ठीक है। तो इसमें तीन से सोल्व हो सकता था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।